ओके तो क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री. अब डोर क्लोज कर देना. फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री. आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स 30 डिग्री. ओके 30 डिग्री. चलो ठीक है ठीक है. देखो ये आपके पास ग्राउंड है, ये ग्राउंड का लेवल है, ठीक है ना. ये क्या है, ग्राउंड का लेवल, ठीक है ना. अब कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए प्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री. एक पॉइंट है ग्राउंड पे, ये मान लो सपोज ये पॉइंट है. इस पॉइंट से प्लेन का एंगल ऑफ एलिवेशन, ये प्लेन उड़ रहा है यहाँ पे, ओके पॉइंट ए मान लो, ये प्लेन उड़ रहा है. इस पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन कितनी डिग्री है, 60 डिग्री, ठीक है ना. अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुछ दूर तक ये प्लेन चलता है, कुछ दूर तक ये प्लेन चलता है, ओके ये प्लेन चलता है कितने दूर तक, कुछ दूर तक चलता है. और इसके बाद इसका एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है 30 डिग्री. मान लो ये पॉइंट बी पे आ गया, तो पॉइंट बी पे प्लेन का एंगल ऑफ एलिवेशन है कितने डिग्री, 30 डिग्री. पहले कितना था, 60 डिग्री, बाद में कितना हो गया, 30 डिग्री. ओके तो पहले एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, बाद में एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, क्लियर है. अब यहाँ से यहाँ तक आने में इसने कितना टाइम लिया है, 30 सेकेंड्स का. बट आप इस 30 सेकेंड को इस्तेमाल नहीं कर सकते हो. क्यों नहीं कर सकते हो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री डिस्टेंस पे लगती है, टाइम पर नहीं लगती. ये टाइम है, 30 सेकेंड क्या होगा, टाइम होगा. इसका देने का क्या फायदा, बता रहा हूँ ना अभी. इफ़ एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए कॉन्स्टेंट हाइट ऑफ 3000√3, ये हाइट है इसकी, चाहे आप यहाँ से निकाल लो चाहे आप यहाँ से निकाल लो, ये हाइट है. इसका नाम मान लो m और इसका नाम मान लो n. हाइट कितनी दे रखी है, 3000√3 meters, ओके 3000√3 meter की हाइट पे एरोप्लेन उड़ रहा है कॉन्स्टेंटली, ठीक है ना. तो आपको बताना है कि स्पीड ऑफ द प्लेन क्या होगा, आपको बताना है कि प्लेन का स्पीड क्या होगा, ठीक ना. प्लेन की स्पीड क्या होगी आपको ये बताना है, क्लियर हुआ. चलिए देखते हैं. आप मान लीजिए प्लेन की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर. कितना मान लीजिए आप, x किलोमीटर पर आवर. प्लेन की स्पीड आप मान लो x किलोमीटर पर आवर, यदि आप मान लो तो आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है, ठीक है ना. यहाँ से यहाँ तक का टाइम दिया हुआ है 3 सेकेंड्स, ओके यहाँ से यहाँ तक का टाइम 30 सेकेंड्स है, ठीक ना. यहाँ से यहाँ तक का टाइम 30 सेकेंड है, ओके. अब देखिए आप इस डिस्टेंस को, आपको ये पता नहीं है, आप इसको x ले लीजिए, क्या ले लीजिए, x. और ये पूरी की पूरी डिस्टेंस कितनी ले लीजिए, y, ओके. अब आ जाइए इस वाले ट्रायंगल में, ये वाला ट्रायंगल 60 डिग्री वाला ये है ना, ये ट्रायंगल बड़ा वाला, ये छोटा वाला ट्रायंगल. सो इसका नाम है PAM, इन राइट ट्रायंगल PMA. उत्कर्ष क्लियर हुआ. PMA में देखो कितनी डिग्री, 10 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है, AM. AM कितना है, 3000√3 meter. ये हो गया 3000√3 meter अपॉन बेस, बेस पता नहीं है, दैट इज x, ठीक है ना. ये x ले लिया आपने. नाउ 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3 इक्वल टू 3000√3 अपॉन x. √3 से √3 x यहाँ चला गया, तो आंसर आ गया x इक्वल टू 3000 meter. तो ये x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 3000, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी है, 3000, ओके. यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी 3000 है. अब देखिए अभी एक आपके पास बड़ा वाला ट्रायंगल है, ये 30 डिग्री वाला, ठीक है ना. तो बड़े वाले ट्रायंगल में लगाइए, बड़ा वाला ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल PNB, राइट ट्रायंगल PNB, ओके. ये मेरे पास राइट ट्रायंगल हो गया PNB, 10 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है, 3000√3 अपॉन बेस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का वाई, बेस कितना है वाई अपॉन बेस हो गया वाई. 10 30 इक्वल टू 1√3 इक्वल टू 3000√3 अपॉन वाई.
सो वाई वन जा वाई इक्वल्स टू 3000, एक बार रूट थ्री और दूसरी बार रूट थ्री, तो रूट थ्री इंटू रूट थ्री क्या होता है, थ्री। हाँ या ना, रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री होगा ना, ये नहीं आया क्या समझ में, है ना। तो y इक्वल्स टू 3000 इंटू थ्री, आंसर कितना आया 9000। समझ में आया नहीं आया? अरे यार, थ्री रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री हो जाएगा, और 3000 इंटू थ्री कितना हो जाएगा 9000। हाँ बात वही है, तुम रूट रूट को कैंसिल करते हो, बात तो वही है, बट रूट रूट कैंसिल तब होता है। देखो कैंसिल मत किया करो, एक्चुअली ये कैंसिल करने का कंसेप्ट गलत है। जब भी आप रूट थ्री इंटू रूट थ्री करते हो, समझ गए, तो आंसर क्या होता है, अंदर के रूट की चीज़ें मल्टीप्लाई हो जाती है, तो रूट नाइन, और नाइन का रूट क्या आता है थ्री, बस ऐसा होता है एक्चुअली, समझ में आया। तो वाई इक्वल टू कितना आ गया 9000। तो वाई मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी है 9000 मीटर। समझ में आया? तो देखो सक्षम, यहाँ से लेके यहाँ तक 9000, यहाँ से लेके यहाँ तक 3000, बीच की कितनी बची 6000। हाँ, बीच की कितनी बची 6000, मतलब 6000 की जो दूरी है, ये एरोप्लेन कितने सेकंड में ट्रेवल कर रहा है, 30 सेकंड में। ओके, तो डिस्टेंस हो गई 6000, टाइम हो गया कितना 30। ओके, तो अपन को निकालना है स्पीड, स्पीड थोड़ी सी फिजिक्स लगेगी, स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितनी डिस्टेंस निकली 6000 मीटर, कितने समय में 30, जीरो से ज़ीरो कैंसिल, कितने बार गया 2, आंसर 200, क्या आंसर 200 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया कि नहीं आया, आंसर क्या होगा 200 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हुआ क्वेश्चन, इस तरीके से हम इसको करेंगे। ओके।